हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। तो गाइज़, ये जो ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इंसेक्ट आते हैं वो हैं बटरफ्लाइज़, मॉथ्स एंड स्किपर्स। तो बटरफ्लाइज़ एंड मॉथ्स जो हैं बहुत ही अच्छे पॉलीनेटर्स हैं, इसीलिए इस जो लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम इनकी जो फैमिलीज़ हैं ऑर्डर के नीचे जो हमारी फैमिलीज़ आती हैं जब उनको पढ़ेंगे तो हम बटरफ्लाई की फैमिली को अलग पढ़ेंगे, मॉथ की फैमिली को अलग पढ़ेंगे और स्किपर्स की फैमिली को अलग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेपिडोप्टेरा में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेपिडोप्टेरा का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में भी जो फर्स्ट फैमिली पढ़ेंगे हम वो है बटरफ्लाई की फैमिली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला जो वर्ड है लेपिडोप्टेरा, ठीक है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि लेपिडोप्टेरा में जो हमने पहला वर्ड लिखा है लैपिडो, तो लैपिडो का मतलब क्या होता है? स्केल। ठीक है, और टेरा मीन्स आपको पहले बता रखा है कि विंग्स होता है। तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जिनके विंग्स जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं स्केल के फॉर्म में। ठीक है, और जो लेपिडोप्टेरा का जो सिनोनिम है, यानी हम सिनोनिम उस वर्ड को कहते हैं जो हम उसके अल्टरनेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेपिडोप्टेरा का जो सिनोनिम है वह है ग्लोसेटा। ठीक है, मैंने ये भी मेंशन यहाँ पे कर दिया है। और अगर हम जनरल अगर लाइन में अगर बात करें तो लेपिडोप्टेरा अगर ना बोला जाए तो अगर हम बटरफ्लाइज कहते हैं तो हम उसी ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मॉथ कहते हैं तो भी उसी ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर स्किपर्स कहते हैं तो भी हम लेपिडोप्टेरा के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम आते हैं लेपिडोप्टेरा के कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा सारी इमेज के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आपने बटरफ्लाई किसी भी आप मन में किसी भी एक बटरफ्लाई को सोच लो और उसके हिसाब से आप कैरेक्टर्स देखते चलना। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है कि बॉडी विंग्स अपेंडेजेस आर डेंसली क्लॉथ विथ ओवरलैपिंग स्केल्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बटरफ्लाई है उनमें सबसे जो अच्छा पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट क्या दिखता है, उनके विंग्स दिखते हैं और उस विंग के ऊपर क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर उन विंग को हम स्केल्स का मतलब उन विंग्स को मॉडिफाइड या फिर मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो विंग है उनका स्केल्स के फॉर्म में मॉडिफाई होता है। और विंग्स क्या होता है, पूरे बॉडी को कवर किया रहता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गया कि बॉडी विंग एंड अपेंडेजेस आर डेंसली क्लॉथ यानी कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स विच गिव कलर, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। जो बटरफ्लाई को या फिर इस ऑर्डर के इंसेक्ट को कलर, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देता है। दे इंसुलेट द बॉडी एंड स्मूथन एयर फ्लो ओवर द बॉडी। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ बॉडी को रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और कलर ही नहीं दे रहा है, ये साथ साथ बॉडी को इंसुलेट कर रहा है। ठीक है, और स्मूथ एयर फ्लो के लिए भी बॉडी को रेडी कर रहा है। फिर कह सकते हैं इन्हीं के वजह से जो इंसेक्ट का बॉडी है उसके ऊपर जो एयर फ्लो है बहुत ही स्मूथ है। दूसरा, अगर इनके माउथ पार्ट के बारे में बात करें तो इनका माउथ पार्ट होता है सिफोनिंग टाइप। याद करो जो मैंने लेक्चर बताया था माउथ पार्ट में, तो उसमें मैंने बताया था सिफनिंग टाइप क्या होता है, जब ये माउथ यूज़ में नहीं होता है तो क्या होता है, वो अपने आप को कॉयल कर लेता है, राउंड कर लेता है और एक कॉयल के फॉर्म में बन जाता है। और जब उस माउथ का यूज़ करता है इंसेक्ट यानी बटरफ्लाई, जब सक करने के लिए, पल्प को सक करने के लिए, फिर कह सकते हैं हमारा नेक्टर को सक करने के लिए जब उस माउथ का यूज़ करता है, जिसको वो लंबे ट्रंक की तरह बना लेता है जिसको हम लोग प्रोबोसिस कहते हैं, तो लॉन्ग प्रोबोसिस के फॉर्म में बन जाता है और उससे वो फूड को सक करता है। ठीक है, तो जो ग्ली है, मैगजिला में मैंने बताया था ग्ली होता है जो स्पून शेप का होता है, तो वो इस इंसेक्ट में इलॉन्गेटेड होगा और हेल्ड टुगेदर बाई इंटरलॉकिंग हुक्स एंड स्पाइंस। ठीक है, द सेक्टोरियल प्रोबोसिस इज कॉल्ड अप लाइक अ वॉच स्प्रिंग एंड केप्ट बीनीथ द हेड व्हेन नॉट इन यूज। कहने का मतलब है कि सेक्टोरियल ऑर्गन जो उसका प्रोबोसिस है वो कॉयल अप हो जाता है जब यूज में नहीं रहता है और वो हेड के नीचे प्रेजेंट होता है। विंग्स के बारे में बात करें तो विंग्स जो होते हैं इनके मेम्ब्रेनस होते हैं एंड आर कवर्ड बाई ओवरलैपिंग पिगमेंटेड स्केल्स। ठीक है, और यही स्केल्स में कलर होता है जिनकी वजह से बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं वो पिगमेंटेड हो जाती हैं। फोर विंग्स जो होती हैं वो बड़े होती हैं हैंड विंग्स से, इनमें क्रॉस वेन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्रॉस वेन क्या है, आप देखो मैं इसको समझाता हूँ। क्रॉस वेन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम इंसेक्ट का विंग देखें तो मान लो कि ये विंग हो गया इनका। ठीक है, तो एक तो ऐसे ऐसे वेन्स निकली होती हैं जो इन वेन को आपस में कनेक्ट करती है ना, उनको हम कहते हैं क्रॉस वेन्स। तो यहाँ पे जो ये वेन है, ये वाला, ये, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं क्रॉस वेन्स। ठीक है, अब आई होप ये समझ में आया होगा आपको।
तो जो क्रॉस वेन्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। विंग जो है वो कपल्ड होते हैं, आइदर कपल्ड मतलब जो फोर विंग है और हाइंड विंग जो है वो आपस में अटैच होते हैं किसी न किसी मैकेनिज्म से, ठीक है। आइदर वो एम्प्लेक्सी फॉर्म में हो सकता है या फिर फ्रेनेट में हो सकता है। आपको मैंने विंग कपलिंग भी बताया हुआ है, फ्रेनेट और एम्प्लेक्सी फॉर्म में क्या होता है, जो फोर विंग है और जो हाइंड विंग है वो आपस में किसी हुक वगैरह से अटैच नहीं होता, लेकिन ये आपस में काम ऐसे करते हैं कि दोनों विंग कैसा लगेगा कि आपस में अल्टरनेट, या फिर कह सकते हैं कि इस तरीके से काम करता है कि विंग जो है जल्दी थकते नहीं है, ठीक है। मतलब आपस में इनका ऐसा मैकेनिज्म सेट हो जाता है विदाउट हुक, वो इस तरीके से काम करते हैं कि एक विंग अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा विंग भी ऊपर जाएगा, ठीक है, विदाउट हुक। मतलब उनका फंक्शन इस तरीके से हो जाता है, इस तरह के विंग कपलिंग को हम बोलते हैं एम्प्लेक्सीफॉर्म, ठीक है। अब हम बात करें लार्वा के बारे में, तो लार्वा जो होता है इनको पॉलीपोड और यूसी फॉर्म होता है। ये मैंने लार्वा आपको पहले बता दिया है, तो आप लार्वा वाले लेक्चर में जाके देख लेना, ठीक है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो यूसी फॉर्म जो लार्वा होता है ये लेगलेस होते हैं, ठीक है। माउथ पार्ट आर एडेप्टेड फॉर चीविंग, जो उनका माउथ पार्ट होता है चीविंग के लिए होता है, विद स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स। अ ग्रुप ऑफ लेटरल ऑसिली आर प्रेजेंट आइदर ऑन द हेड, ठीक है, आइदर साइड ऑफ द हेड। कहने का मतलब है कि ऑसिली जो होता है, ऑसिली क्या है, ऑसली जो होता है उनका सेंसरी ऑर्गन है, वो प्रेजेंट होता है उनके हेड के दोनों साइड पे, ठीक है। एंटीना जो है शॉर्ट होता है, थ्री सेगमेंट में बटा होता है, ठीक है। देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ फाइव सेगमेंटेड थोरेसिक लेग्स, थोरेक्स रीजन में जो लेग्स हैं वो कितने थ्री पेयर्स होते हैं और फाइव सेगमेंट में होते हैं, ठीक है। टू टू फाइव पेयर्स ऑफ फ्लेसी अग्स अनसेगमेंटेड प्रो लेग्स आर फाउंड इन द एब्डोमेन, ठीक है। ये लार्वा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अगर हम प्यूपा के बारे में बात करें तो प्यूपा जो होता है जनरली ऑप्टेक्ट होता है। ऑप्टेक्ट कहने का मतलब क्या है, इमोबाइल, ठीक है। इट इज़ आइदर नेकेड और इनक्लोज्ड इन अ ककून मेड मेड ऑफ सॉयल, फ्रैस, सिल्क और लार्वल हेयर, लार्वा का जो हेयर होता है उनसे कवर होते हैं, ठीक है। तो ये इनका हो गया जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये मैंने सारा चीज़ आपको डिस्कस कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनका क्लासिफिकेशन। तो जो लैपिडोप्टेरा जो है वो फर्दर क्लासिफाइड हैं दो टाइप में, फर्स्ट मोनोस्ट्रिया और दूसरा डाइस्ट्रिया, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, MONO मोनो TRYSIA, ठीक है, मोनोट्रिया ट्रीसिया एंड डाइट्रीसिया, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मोनोट्रीसिया कहने का मतलब है कि फीमेल इंसेक्ट में सिंगल पोर प्रेजेंट हो, ठीक है। और डाइस्ट्रिया मीन्स क्या हुआ, डाइट्रीसिया मीन्स क्या हुआ, दो पोर्स प्रेजेंट है इंसेक्ट में, इंसेक्ट फीमेल इंसेक्ट में। तो फीमेल इंसेक्ट में दो पोर कौन कौन से, फर्स्ट पोर जो होगा वो कॉपुलेटरी पोर कहलाएगा, ठीक है, और जो सेकंड पोर होगा वो एग पोर कहलाएगा, ठीक है। तो अगर दो पोर प्रेजेंट है तो उसको डाइट्रीसिया कहेंगे, और ये 97% ऑफ द लैपिडोप्टेरियंस में प्रेजेंट होता है। और मोनोट्रीसिया जो कंडीशन है वो ओनली 3% ऑफ द लैपिडोप्टेरियन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मोनोट्रीसिया जो है फीमेल इंसेक्ट में क्या होगा, एक ही पोर होगा, तो एक पोर कौन सा हो सकता है, कॉपुलेटरी पोर, ठीक है। और हम कह नहीं सकते कि कॉपुलेटरी पोर या फिर एक पोर, मतलब दोनों का फंक्शन वो एक ही पोर से होता है, मतलब एक के लिए भी और कॉपुलेशन के लिए भी। तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया। तो अगर हम कॉपुलेटरी पोर के बारे में बात करें तो वो प्रेजेंट होता है हमारे एट सेगमेंट पे, ठीक है, और जो एक पोर होता है प्रेजेंट होता है नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया स्टरनाइट, स्टरनाइट क्या होता है, जो उनका क्यूटिकल लेयर है जो नीचे की साइड होता है, जो उनका वेंट्रल साइड होता है उधर में जो क्यूटिकल प्रेजेंट है उसको स्टरनाइट कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बटरफ्लाइज की फैमिली, ठीक है। तो टोटल बटरफ्लाई की पाँच फैमिली है, ठीक है। तो जो फर्स्ट फैमिली है उसको हम लोग बोलते हैं निम्फैलिडे, ठीक है, निम्फैलिडे। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हो जाएंगे, या फिर इसका जो मतलब होता है ब्रश फुटेड और फोर फुटेड बटरफ्लाइज। आप इस इमेज में देखो, आपने ये इंसेक्ट, ये वाला बटरफ्लाई तो आपने देखा होगा, ठीक है। अगर हम इनके बारे में बात करें, इनका जो फोर लेग होता है वो शॉर्ट होता है, फंक्शनलेस होता है, हियरी होता है एंड फोल्डेड ऑन थोरेक्स, ठीक है। फोर टिबिया के बारे में बात करें, टिबिया क्या है, लेग का पार्ट है, ठीक है। जो फोर टिबिया होता है वो शॉर्ट होता है, कवर्ड विथ लॉन्ग हेयर्स, ठीक है, टीबिया के ऊपर जो क्या है, लॉन्ग हेयर प्रेजेंट है। लार्वा के बारे में बात करें तो लार्वा इज विथ मेनी प्रोसेसेस और स्पाइंस ऑन दी बॉडी। इनका जो लार्वा होगा उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं। और एग्जांपल अगर हम बात करें तो इनके एग्जांपल में आएंगे कैस्टर बटरफ्लाई, इरगोलिस मेरियोन,
ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला जो फैमिली है वो है निम्फेलिडे, आप इमेज एक बार देख लो, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड फैमिली है वो है लाइकिनिडे, लाइकिनिडे, ठीक है, आप ये देखो, ठीक है। और जो इनमें जो, या फिर कह सकते हैं कि इनका जनरल जो कैरेक्टर है वो ब्लूज, कॉपर्स और हेयर स्ट्रिक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इनका जो आई है वो कंपाउंड आई होता है, ठीक है, और उनके आई के चारों तरफ रिम प्रेजेंट होता है वाइट कलर का। एंटीना जो प्रेजेंट है, ठीक है, उनके अराउंड क्या होता है, वाइट रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इन इंसेक्ट में देख लो, यहाँ पे जो मैंने इमेज दिया है आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अपर विंग सरफेस इज आइदर मेटेलिक ब्लू और कॉपरी, जो ऊपर का जो सरफेस है ये मेटेलिक ब्लू या फिर कॉपर कलर का होता है, मतलब अगर ऊपर से देखें इनके अपर विंग को तो, ठीक है। लोअर विंग सरफेस इज लाइटर इन कलर, ठीक है। हाइंड विंग्स के बारे में बात करें तो ये ऑफन जनरली अगर हम बात करें तो डेलिकेट हेयर लाइक प्रोग्रेशंस प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर 2 से 3 ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लार्वा के बारे में बात करें तो लार्वा आर फ्लैटेंड एंड री टेक्टाइल हेड उनके पास प्रेजेंट होता है। री टेक्टाइल हेड कहने का मतलब है कि वो आगे की तरफ हेड को निकालते हैं और फिर वापस अपनी जगह पे खींच लेते हैं। और इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पोमीग्रेनेट फूट बोरर जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो थर्ड है वो है पैपी लियोनिडे, ठीक है। और इनमें अगर हम बात करें, पहले आप इमेज देख लो, आपने ऐसा बटरफ्लाई अगर देखा हो तो ये इस फैमिली की होती है, ठीक है। अगर इसका एक स्पेशल कैरेक्टर देखें तो स्वैलो टेल्स, जो उनका टेल होता है वो स्वैलो होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इनका जो टेल रीजन है वो कैसा है, स्वैलो है, ठीक है। दे आर ऑफन लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, लार्ज होती हैं, उनका कलर जो होता है ब्राइट कलर का होता है। प्रोथोरेसिक लेग हैव टीवियल इफिफाइसिस, ठीक है। इन मेनी स्पीसीज हाइंड विंग्स हैज टेल लाइक प्रोगेशंस, ठीक है, प्रोलोंगेशंस। इनमें अगर बात करें जो विंग कपलिंग प्रेजेंट है वो कौन सा है, एम्प्लेक्सीफॉर्म है, ठीक है। मैंने पहले बताया है कि इनमें कोई हुक प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन इनका मैकेनिज्म इस टाइप के कपलिंग में क्या होता है कि वो एक साथ ही अप जाते हैं, एक साथ ही डाउन जाते हैं, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ विंग कपलिंग मैकेनिज्म है। अगर लार्वा का बॉडी में बात करें तो आइदर स्मूथ और ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्यूबरकल्स अपेंडेजेस नहीं होता, उभार कह सकते हैं, ठीक है। रीटेक्टाइल ऑस्मेटेरिया प्रेजेंट होता है ऑन द थोरेसिक टर्गम ऑफ द कैटरपिलर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है सिट्रस बटरफ्लाई, तो जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो ये सिट्रस बटरफ्लाई का है, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ है वो है पायरीडे, ठीक है। जो फोर्थ फैमिली है वो है पायरीडे, इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो वाइटिस यानी वाइट कलर और सल्फर्स कहने का मतलब है कि येलो कलर की वजह से हम इसका नाम ऐसा देते हैं, ठीक है। तो दे आर वाइट और येलो और ऑरेंज कलर्ड विद ब्लैक मार्जिन, अगर इन बटरफ्लाई को देखेंगे तो इनका जो कलर होगा वो वाइट, येलो या फिर ऑरेंज कलर के होंगे और इनका जो मार्जिन यानी विंग का जो बाउंड्री होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है। लार्वा जो होगा ग्रीन, इलोंगेट एंड कवर्ड विद फाइन हेयर्स। लार्वा का जो बॉडी सेगमेंट है उसमें एन्यूलेट्स पाया जाता है, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो होगा ढैंचा कैटरपिलर, ठीक है। और जो हमारा लास्ट जो हमारा फैमिली है वो है सैटीरिडे, ठीक है। सैटीरिडे ये वाला भी आपने बटरफ्लाई देखा होगा, ये जनरली दिख जाती हैं। तो इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, या फिर मीडो ब्राउन में होते हैं। दे आर फुल डल ब्राउन और ब्लैकिश इन कलर। विंग्स आर विथ आई लाइक स्पॉट, इनके विंग्स पे आँखों की तरह स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑन दी अपर एंड दी लोअर सर्फेस। अगर इनके विंग्स को अगर पलट के भी देखें तो नीचे वाले सर्फेस पे भी ये दिखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइस हॉर्न कैटरपिलर, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी हमने सिर्फ लैपिडोप्टेरा में बटरफ्लाई की फैमिली के बारे में पढ़ा है, जो कल का जो हमारा क्लास है उसमें मॉथ की फैमिली और स्किपर्स की फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर किसी को भी इस लेक्चर में कुछ भी दिक्कत है या फिर कुछ डिटेल आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी को भी इसका नोट्स चाहिए तो हमारे मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकता है, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो इस PDF को, अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी वीडियो देख रहे हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहाँ पे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन, वहाँ पे हम कोई अगर क्विज करवा रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, कोई नोटिफिकेशन है, तो हम वह सारी चीज़ें वहाँ पे बता देते हैं। तो आप हमारे साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर फॉलो कर सकते हो। किसी को भी अगर PPT चाहिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।